हेलो दोस्तों, मैं पूजा सक्सेना फिर से आपके सामने हाजिर हुई हूँ। 21 फरवरी को टारगेट करते हुए या कहीं बोर्ड एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए, यहाँ हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर रहे हैं जो बोर्ड एग्ज़ाम में जनरली आते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने जो क्वेश्चन कराया था वो बोर्ड एग्ज़ाम में 2 मार्क्स में पूछ लिया जाता है। इस समय हम जो करा रहे हैं 3rd चैप्टर का है, 4 नंबर में पूछ लिया जाता है। स्टार्टिंग की प्रोसेस सेम रखनी है, बाकी जब समीकरण या इक्वेशन को सॉल्व करने को कहेंगे तब आपकी चॉइस है कि आप कौन सी विधि यूज़ करते हैं, प्रतिस्थापन यूज़ करते हैं, विलोपन यूज़ करते हैं या वज्र गुणनखंड यूज़ करते हैं। क्वेश्चन का सॉल्यूशन सभी से ही सेम ही आएगा। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं 2 अंकों की एक संख्या। इस क्वेश्चन को करने से पहले चलिए हम 2 अंकों की संख्या के बारे में बात कर लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक 2 अंकों की संख्या है, 36 है। इस 36 को कैसे लिखा जा सकता है? इस 36 को मैं लिख सकती हूँ 3 × 10 + 6, 30 + 6 = 36 हुआ। इसी तरीके से यदि मैं कहूँ मेरे पास 72 है तो 72 कैसे लिखा जा सकता है? 72 को मैं लिखूंगी 7 × 10 + 2, हो गया ना 72, 70 + 2 = 72 हो गया। अब क्या करना है, यहाँ से मुझे ये समझ में आया कि यदि मेरे पास 2 अंकों की संख्या है, ये है इकाई अंक और ये है दहाई अंक, तो मुझे लिखनी कैसी है? मुझे लिखना है 10 × दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक, इकाई का अंक। इस तरीके से संख्या 2 अंकों की लिखी जाती है। अब चलिए हम अपने क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 2 अंकों की एक संख्या है, इसमें दहाई का अंक इकाई के अंक का 3 गुना है। कंडीशन बाद में देखेंगे, पहले मान लीजिए इकाई का अंक कुछ है, दहाई का अंक कुछ है। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि माना इकाई का अंक बराबर एक्स, इकाई का अंक बराबर एक्स और दहाई का अंक वाई। दहाई का अंक मैंने मान लिया बच्चों वाई, ठीक है, दहाई का अंक बराबर वाई। अब जरा क्वेश्चन पढ़ते हैं कि अच्छा, इकाई का अंक एक्स है, दहाई का अंक वाई है, तो हमारी संख्या क्या हो जाएगी? हमारी संख्या हो जाएगी उस कंडीशन में 10y + x। ऐसे ही तो लिखते हैं। देखिए 36 को मैंने लिख दिया था ना 3 × 10 + 6, यानी 3 दहाई का अंक था, इसमें 10 का गुणा किया प्लस इकाई के अंक को लिख दिया, तो मेरी संख्या हो गई 10y + x। अब क्या है, क्वेश्चन में दिया हुआ है दहाई का अंक इकाई के अंक का 3 गुना है या कहीं 3 गुना है। तो मैं कहूँ कि दहाई का अंक कितना होगा, इकाई के अंक का 3 गुना, और इकाई का अंक क्या है 3, तो मैं कहूंगी कि भैया 3x इकाई के अंक में 3 का गुणा कर दें तो बन जाएगा ना दहाई का अंक। तो ये हमारी कंडीशन फॉलो हो जाएगी कि दहाई का अंक इकाई के अंक का 3 गुना है। तो मेरे पास कंडीशन आ गई कि भाई दहाई का अंक तो वाई था, कि वाई बराबर 3x इकाई के अंक का 3 गुना, यानी इकाई के अंक में 3 का गुणा कर दूंगी तो क्या बन जाएगा, दहाई का अंक मिल जाएगा। तो पहली वाली इक्वेशन या कहें पहला वाला समीकरण मैंने पहली वाली शर्त के अनुसार निकाल लिया। अब जरा क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। यदि संख्या में से 54 घटा दें तो अंक पलट जाते हैं। भैया हमारी संख्या क्या थी, हमारी संख्या तो थी 10y + x। अब हमने क्या किया, इसमें से 54 घटा दिया। जब 54 घटा दिया तो अंक क्या हो गए, अंक पलट गए। इट मीन्स दहाई का अंक बन गया इकाई का अंक और इकाई का अंक बन गया दहाई का अंक। तब हमारी संख्या क्या हो गई, तब हमारी संख्या हो गई 10x + y। पहले संख्या थी हमारी 10y + x, लेकिन घटाते ही क्या हुआ, संख्या पलट गई, यानी संख्या हो गई 10x + y। अब क्या करो, x x को एक तरफ रख लो, y y को एक तरफ रख लो, नंबर को एक तरफ रख लो। तो 10x + y था, इसको हमने लेफ्ट हैंड साइड में ले जाने की कोशिश की। लेफ्ट हैंड साइड में ले जाते ही भाई जो जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे, क्योंकि ये प्लस का है इधर आके माइनस का हो जाएगा, वाई प्लस का है इधर आके माइनस का हो जाएगा। तो मैं कहूँगी कि 10y + x - 10x - y। अब -54 को जब मैंने राइट हैंड साइड में भेजा तो ये हो गया प्लस का 54। अब इसे सॉल्व किया, देखिए 10y - y ये हो जाएगा मेरा 9y।
एक्स माइनस के 10x ये हो जाएगा मेरा माइनस के 9x इज इक्वल्स टू 54। अब ऐसी कौन सी संख्या है जिसका पूरी ही इक्वेशन में या पूरे समीकरण में भाग चला जाए, तो मुझे 9 दिखाई दे रहा है, 9 का भाग डिवाइड इसमें भी चला जाएगा और इसमें भी चला जाएगा, तो मैं कहूँगी 9 वन जा 9, यहाँ भी 9 वन जा 9 ऑन 9 6 जा 54। तो मेरे पास समीकरण आ गया y माइनस x बराबर 6। अब जो मेरे पास समीकरण एक था y बराबर 3x, उसको मैं यहाँ रख लूँ y की जगह, तो 3x माइनस एक्स बराबर 6। तो 3x में से x सब्ट्रैक्ट करेंगे घटाएंगे तो 2x बराबर 6। 2 और x के बीच कुछ नहीं बन रहा है, इट मीन्स वो गुणा में कंसीडर होगा और इधर जाके किस में चेंज हो जाएगा, भाग में। तो x बराबर 6/2 यानी 3। x की वैल्यू आ गई मेरे पास में, अब क्या है समीकरण एक की हेल्प लीजिए और y की वैल्यू भी निकाल लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा y बराबर 3x यानी 3 × 3 इज इक्वल्स टू 9। तो y की वैल्यू क्या आ गई, y की वैल्यू आ गई मेरे पास 9। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे तो संख्या निकालनी है बेसिकली कि भाई संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमारी संख्या क्या है, हमारी संख्या तो है स्टार्टिंग वाली लेनी है क्योंकि स्टार्टिंग वाली ही संख्या थी, बाद में तो हमने केवल कंडीशन अप्लाई कर दी है 10y + x यानी 10 × 9 + 3। तो 10 × 9 90 + 3 यहाँ, तो ये मेरी संख्या हो जाएगी 93। अब इस 93 पर आप पूरा क्वेश्चन अप्लाई करके देख लीजिए कि भैया दो अंकों की संख्या में दहाई का अंक इकाई के अंक का 3 गुना है, तो देखिए ये 3 है ये 9 है। इस 93 में से क्या करिए, 54 घटा के देख लीजिए, जैसे ही आप 93 में से 54 घटाएंगे तो ये 93 की जगह बन जाएगी 39। क्योंकि मैंने आंसर से क्वेश्चन वेरीफाई करके देख लिया है, इट मीन्स भाई बोर्ड एग्जाम में हमारे मार्क्स कहीं भी नहीं जा सकते, क्रॉस चेक हमने कर लिया है। तो आप भी यदि इस क्वेश्चन को करें तो क्वेश्चन करने के बाद में एक बार आंसर को क्रॉस वेरीफाई कर लें। चलिए, यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले कि मैं आपके लिए इस तरह की वीडियोस बना सकूं। ओके, बाय बाय दोस्तों।